मेरा नाम तो अनिमेश विश्वास है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अभी तो मैं रेस्टोरेंट के पहले जो काम करते हैं करते था, अभी तो सेम काम ही है, थोड़ा अलग हो गया। थोड़ा ट्यूशन, हर सर ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन स्टूडेंट है मेरा। किडनी ट्रांसप्लांट से पहले तो प्रॉब्लम तो मेजर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। हाँ हाँ, कोई सिम्टम्स नहीं है। ट्रांसप्लांट के पहले थोड़ा वोमिटिंग हुआ, वो ओके थोड़ा वीकनेस आया, ठीक ओके है, और वेट लॉस हो गया। इसलिए तो मेरा नजदीक में बहरमपुर में एक सिटी है, उसके एक एमडी जनरल डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला थोड़ा टेस्ट करके बोला दे आपका किडनी थोड़ा डैमेज हो गया, तो आपके इमिडिएटली डायलिसिस करना होगा। तो डायलिसिस के बारे में तो पता नहीं है, इसलिए मैं तुरंत कलकत्ता चला गया, फोर्टिस हॉस्पिटल में। फोर्टिस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है नेफ्रोलॉजी, उन्होंने बोला अच्छा ठीक ही है, आपका दोनों किडनी मिला के 10% अभी काम करते काम चालू है, इसलिए आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। तो मेरा घर वाला और मेरा जो रिलेटिव है उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए मेरे को तो वो जो ये अपोलो हॉस्पिटल है ना चेन्नई, उसको भेज दिया। फर्स्ट टाइम उस अपोलो हॉस्पिटल में डायलिसिस का चैनल हुआ। बाद में वो उसको उसको पास 10 डेज रहता था, उसको डॉक्टर ने बोला आपका दोनों ही ऑप्शन है किडनी खराब होने के से, एक डायलिसिस और एक ट्रांसप्लांट। तो मैं तो ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, मैं समझ आता थोड़ा समझ नहीं आता। तो ट्रांसप्लांट का जो वो जो खर्चा बोला, तो मेरा फैमिली से ये बेयर नहीं करते। ये मेरा थोड़ा फैमिली चार था, तो मेरा फोर फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए मैं वापस घर चला आया। बाद में फिर बेंगलोर में गया, बैंगलोर में जो मुनिपल गया, मुनिपल तो वो तो उसको ट्रीटमेंट है अच्छा, बट उसको जो खर्चा है ना बहुत ज्यादा है। इसलिए एक शिव कुमार बल के एक नाम के एक आदमी से मेरा मुलाकात हुआ, वही मेरे को एनयू हॉस्पिटल में ले जाया। एनयू हॉस्पिटल तो अच्छा है मेरे लिए, जो कुछ किया तो हर जीवन भूल नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ भी मैडम है, डॉक्टर है, नर्स है, और सारी मैनेजमेंट टीम है ना, उसको 100% मैं सपोर्ट दिया इसीलिए। और जो डॉक्टर के जो मोटिवेशन है मेरे को बात करने से, डॉक्टर, नर्स और जो मैनेजमेंट है, सेल्वी मैडम और शिव कुमार जी है, तो डॉक्टर किरण पात्र है, डॉक्टर वर्धन बोन मोदी मैडम है, वो सब कुछ मेरे को हेल्प किया, इसलिए मैं आज बिल्कुल अच्छा है। एनयू हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, वो नर्सिंग स्टाफ बोल के, वो जो मैनेजमेंट स्टाफ है ना, वो मेरे को अच्छा लगा। अभी तक तो मेरा नहीं मिला इसका स्टाफ ने। अभी तो रिसेंट में मैं थोड़ा मेडिकल टीम में थोड़ा ज्वाइंट हूँ, मेरा दो 5-6 ओपीडी सेंटर है, वो नेफ्रोलॉजी डॉक्टर में कलकत्ता से आता है इधर। हाँ, तो नेफ्रोलॉजी में ज्यादा मेरा जानकारी है अभी तो। उसको जो इनो हॉस्पिटल का जो सपोर्ट मिला, अभी तो कोई आज तक तो कोई तकलीफ नहीं हुआ, अभी तक मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को। एक बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता ये, और क्रिएटिन भी अच्छा, मेरे को किडनी अच्छा चलता है अभी। हेल्थ कंडीशन तो नॉर्मल जैसा है, अलग जो आदमी है उसको जो हेल्थ कंडीशन वो बता सकते, बट मेरा जो हेल्थ कंडीशन है तो अच्छा है, नॉर्मल जैसा है।